हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर कंप्यूटर साइंस क्लास, क्लास वन, चैप्टर वन। लेट्स मीट मिस्टर कंप्यूटर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस चैप्टर इन थ्री पार्ट्स। व्हाट इज कंप्यूटर्स फैमिली, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। सो नाउ लेट्स गो थ्रू द टेस्टिंग टाइम फॉर द चैप्टर वन। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर टेस्टिंग टाइम। कलर द पिक्चर ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको कंप्यूटर का पिक्चर दिया है। दिस इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप उसको उस कलर से कलर कर दीजिए। ओके, देन नेक्स्ट काउंट एंड राइट। अभी आपको ये कंप्यूटर फैमिली के कुछ मेंबर्स दिए हैं कंप्यूटर फैमिली के, तो आपको उनको काउंट करना है। दिस इज स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अभी आपको इनको ग्रुप करना है सिमिलर आइटम्स का, सिमिलर कंप्यूटर्स का। अभी देखो स्मार्टफोन्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। स्मार्टफोन्स कहाँ है, स्मार्टफोन्स 4। देन टैबलेट 1, और कहीं दिख रहा है टैबलेट आपको, ओके 2। सो टैबलेट्स 2। देन लैपटॉप यहाँ पर है, एक यहाँ पर एक है। हम इन लैपटॉप्स 2, तो यहाँ पर आपको डिजिट 2 लिखना है। एंड ओनली 1 डेस्कटॉप, सो 1 डेस्कटॉप। सो राइट दिस आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक। देन देयर इज अ थर्ड क्वेश्चन, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे दो ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट है कंप्यूटर्स आर ऑप्शन 1 मशीन्स, ऑप्शन 2 ह्यूमन बीइंग्स। तो कंप्यूटर्स क्या है, मशीन्स है, तो आप यहाँ पर टिक करोगे। ओके, विच इज बिगर इन साइज। अभी दो कंप्यूटर मेंबर्स फैमिली मेंबर्स दिए हैं, एक है डेस्कटॉप, एक है लैपटॉप। अभी इनमें से साइज में बड़ा कौन सा है, तो डेस्कटॉप। सो व्हाट यू आर सपोज टू टिक, डेस्कटॉप। देन थर्ड इज मशीन्स मेक अवर वर्क 1 इजी, 2 डिफिकल्ट। तो मशीन्स हमारा काम आसान करते हैं या डिफिकल्ट करते हैं, यस इट मेक्स अवर वर्क इजी, तो इजी के सामने टिक करना है। टेलीविजन इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन ऑप्शन 1 पेट्रोल, 2 इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में टीवी है उसको टेलीविजन बोलते हैं, शॉर्ट में हम उसको टीवी बोलते हैं। तो वो पेट्रोल पे चलता है या इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, यस इट रन्स ऑन, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के आगे टिक करना है आपको। देन लास्ट वन, हु इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन नहीं है, ह्यूमन बीइंग या कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर तो बहुत फास्ट काम करता है, सब अच्छा करता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है क्या, खुद सोचता है क्या, नहीं। सो ह्यूमन बीइंग इज द इंटेलिजेंट, एंड हु इज नॉट इंटेलिजेंट, कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। दिस इज योर हेल्प बॉक्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन के नीचे दिया है। उसमें आपको कितने स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट्स है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 5 आंसर दिए हैं हेल्प बॉक्स में, उसको आप करेक्ट स्टेटमेंट में फिलअप करना है। मशीन्स, लैपटॉप, टैब, ह्यूमन बीइंग्स एंड डेस्क। ये 5 वर्ड दिए हैं आपको हेल्प बॉक्स में। तो फर्स्ट वन इज डैश डैश मेक्स अवर वर्क इजियर। कौन वर्क इजी करता है हमारा, सो मशीन्स। अभी हमने पिछले इसमें देखा था क्वेश्चन में, तो मशीन्स मेक अवर वर्क इजियर। देन सेकंड, डैश डैश इज अ कंप्यूटर दैट वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी यहाँ पे लैपटॉप भी है, टैब भी है, दोनों आप एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सकते हो। बट हियर यू आर सपोज टू राइट लैपटॉप, क्योंकि टैब के लिए नीचे क्वेश्चन है। टैबलेट इज ऑल्सो कॉल्ड, टैबलेट को हम क्या बोलते हैं, टैब। सो ये टैब कहाँ पे आ गया, थर्ड स्टेटमेंट पे। सो मशीन्स हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, 3 वर्ड हो गए, 3 स्टेटमेंट हो गए। अभी ओनली 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 वर्ड्स आर रिमेनिंग। डेस्कटॉप कंप्यूटर गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट इज केप्ट ऑन अ डैश डैश। अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ पर रखा होता है, डेस्क। ओके, सो द ओनली वन
what is remaining in the help box and one statement. So that is for fifth one. Computers need human beings to decide what to do. Computers को कौन चाहिए, किसकी मदद चाहिए? Human beings की, क्योंकि उसको instructions कौन देता है? हम देते हैं. उसको चालू को on कौन करता है? हम करते हैं, right? So this is our question 4. Okay, this is the last activity. You can say question. Fill in the crossword. This is crossword, horizontal and vertical. Using the help box. This is your help box. Okay, hints बोल के यहाँ पे आपको words दिए हैं जो यहाँ पे आपको crossword में fill up करने हैं. Take the pictures which are machines. अभी इसमें जो machines है उसको भी आपको tick करना है. So ये जो red में दिख रहा है, this is your answer. यहाँ पे सिर्फ A दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, T दिया है, E दिया है, P, F, C एंड N इतना फिल करके दिया है. अभी आप देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे ये क्या है, ये दिस इज एरोप्लेन. सो राइट डाउन द एरोप्लेन स्पेलिंग AEROPLANE, एरोप्लेन. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल वर्ड. ओके, देन व्हाट इज दिस? ट्रक. दिस इज योर वर्टिकल वर्ड, TRUCK. देन दिस इज पेंसिल, PENCIL, पेंसिल. सिमिलरली फैन, लॉयन एंड सेल. अभी इसमें से आपको टिक करना है जो मशीन्स है. एरोप्लेन इज द मशीन, यस. पेंसिल है क्या? नहीं. ट्रक, यस. ट्रक इज द मशीन. फैन, यस. लायन है क्या? नहीं. सेल है क्या मशीन? यस. सो सेल, फैन, ट्रक एंड एरोप्लेन पे आपको टिक करना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टेस्टिंग टाइम फॉर द चैप्टर 1. यू आर सपोज टू राइट ऑल दिस आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक, और एक बार नोटबुक में भी क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं 2 times. ओके, थैंक यू.